नमस्कार आदाब, प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। वो अजीम शख्सियत हमको याद आती है जिक्र जब भी होता है आसमां पे जाने का, और ऐसी ही एक शख्सियत थी बेगम अख्तर की, और उनका अक्स दिखाई देता है उनसे जुड़ी एक ऐसी शख्सियत में जो उनमें यूं ढली कि बस उन्हीं की होकर रह गई। और उस शख्सियत का नाम है शांति हीरानन, जो गायकी की दुनिया में अपनी आवाज़ और मखसूस अदायगी के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। प्रोग्राम शख्सियत में हमारी आज की मेहमान है शांति हीरानन जी। किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गईं कि जमाना सफर में है। एक ऐसे ही यादगार और खूबसूरत सफर की गवाह, एक पूरी विरासत की पहचान, खामोश तबीयत, सादगी है जिनका पहनावा और जिन्हें हम जानते हैं शांति हीरानंद के नाम से, जिनकी मखसूस आवाज और अंदाज याद दिला जाती है उनकी, जिन्हें लोग मलिकाए गजल के नाम से जानते हैं, अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर, जिन्हें शांति हीरानंद प्यार से अम्मी कहकर बुलाती रही। शांति हीरानंद का जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ। पिता हीरानंद मनसुखानी और माँ सीता मनसुखानी की काबिल बेटी शांति। बचपन से उन्हें मौसिकी से लगाव रहा। लखनऊ से मौसिकी की तालीम ली और इसी बीच 1940 के दौरान उन्हें लाहौर जाना पड़ा। 1947 में लाहौर रेडियो से उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति दी और बंटवारे के बाद लखनऊ वापस आना हुआ। 1957 में बेगम अख्तर से मिलना हुआ तो बस फिर उन्हीं की होकर रह गई। बेगम अख्तर ने उन्हें न सिर्फ अपना शागिर्द बनाया बल्कि बेटी की तरह चाहा भी, और यही वजह रही कि उनकी गायकी में बेगम अख्तर का अंदाज झलकता है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शांति हीरानंद ने बेगम अख्तर पर किताब को तरतीब दी, द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, और इसमें उनकी जिंदगी, उनकी चाहतों, उनकी तन्हाइयों और उनके आखिरी सफर की वो तस्वीर पेश की जो आज तक किसी ने ना देखी न सुनी। खुश आमदीद शांति जी, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम शख्सियत में। शुक्रिया समीना जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने बीच पाकर, और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क भी हो रहा है। बचपन ही से आपको मौसिकी का बहुत शौक़ रहा और आपके वालदैन ने भी आपका साथ दिया। अगर तालीम की बात की जाए तो कौन सी उम्र में आपको याद आता है कि आपने मौसिकी की तालीम लेनी शुरू की? ऐसा है समीना जी के बचपन में तो इतना होश होता नहीं है, तो हमारी एक अन्ना हुआ करती थी तो वो हमको ले जाती थी बाज़ार में, और हम कुछ टॉफ़ी मांगें या कुछ मांगें तो दुकानदार कह देते थे कि बिटिया गाना सुनाओ, तो हम गाना गाने लगते थे। क्या गाना था?
बाबा दौड़ो बिलैया दाल खाए गए। तो ये सब बातें जब ये चर्चे होने लगे तो हमारे माँ बाप ने, हमारे वालिदैन ने सोचा कि इस लड़की को सिखाना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने हमको लखनऊ में म्यूज़िक कॉलेज में भर्ती कर दिया और वहाँ हमने पहली क्लास में सारे गामा सीखना शुरू किया। बहुत बच्ची थी। अब इस तरह से शौक बढ़ने लगा और हुआ ये कि उसी ज़माने में हमारे वालिद साहब लाहौर चले गए, वहाँ अपना बिजनेस था, तो चूँकि हम सबसे छोटे थे तो हम भी गए साथ। वहाँ पर एक नाबीना, एक ब्लाइंड लेडी थी जो सिखाती थी, ख़ास कुछ नहीं मगर बच्चियों को, और तो हमारी जैसी आदत है कि जुड़ जाते हैं, बस उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने हमको 5 साल सरगम कहलवाए और छोटी छोटी बंदिशें रागों की सिखाई और उन्हीं के ज़रिए हम लाहौर रेडियो पहुँचे। अगर 1940 ही की बात करें जब आप लाहौर पहुँचे और उसके बाद 1947 में मेरे ख्याल से आपने अपना पहला परफॉर्मेंस लाहौर से दिया। जी जी। वो माहौल वहाँ का पहले तो हमें ज़रूर बताइएगा कि जिस वक्त आपने वहाँ परफॉर्म किया था उस वक्त वहाँ माहौल कैसा था। हम रेडियो पे से गाने लगे और रेडियो पे जो हमारा सबसे पहला गाना हुआ वो एक कहते थे हफ्ते का गीत, वो पूरा हफ्ता बजता था। शांति जी, जब आपने यकीनन पहला परफॉर्मेंस दिया था माइक्रोफोन के आगे तो घबराहट हुई थी, हाथों में पसीना आया था? नहीं, डर तो लगता था पहले और वहाँ का माहौल ये था कि स्टूडियो बहुत ही ऐसे फैंसी नहीं हुआ करते थे जैसे अब है और इतनी टेक्निक भी नहीं थी। तो वो तवे का जैसा होता था वो रिकॉर्डर जिसमें कि वो बाल से निकलते थे जो आदमी गाता था। अच्छा। अगर ख़राब हो गया तो लपेट लो। ओहो। और नहीं तो रद्द कर दिया जाता था। तो वो ज़माना था, तब टेप भी नहीं आया था। इसकी वजह से ये हुआ कि शौक बढ़ता गया रेडियो पे जाने से। शौक बढ़ता गया यानी नए नए गाने आने लगे, गज़लें। अब लखनऊ आ गए वापस। और जब आप लखनऊ आई तो मैंने जो जाना वो ये कि एजाज हुसैन खान साहब से आपने बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। तो लखनऊ में लखनऊ रेडियो से जुड़ गए। ऑडिशन वगैरह तो होता नहीं था उस वक्त, वहाँ गाते थे यहाँ गाने लगे और बहुत से ड्रामों में, म्यूजिकल ड्रामों में पार्ट लिया। और हमने शकील बदायूं की सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग की वो नज़र नवाज नज़ारे में जी नहीं लगता और वो इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि उस रिकॉर्ड से ही लोग हमको जानने लगे। वो याद है आपको अभी? वो एक आध लाइन भी याद हो? जी याद तो है। नज़र में आप अम्मी से मिली जिन्हें बेगम अख्तर के नाम से और लोग जानते हैं, पहली मुलाकात कैसी रही? और ना पूछिए। पहली मुलाकात एक हमारे रेडियो के थे बेचारे, पेक्स थे। हाँ। उन्होंने कहा ये सब क्या गाती फिरती हो, अब गाना सीखना है तो सही तरीके से सीखो। तो कहाँ सीखे हमने कहा, कह लेंगे बेगम अख्तर। अब उस वक्त बेगम अख्तर कहलवाती थी वो, रेडियो के पीछे उनका घर था। उन्होंने उनको फ़ोन किया, कह लेंगे एक बच्ची है आपसे सीखना है, कह ले अच्छा भेज दो। तो हम गए कुछ देर तो बैठे रहे, तब हम दो चोटियां बनाया करते थे सलवार कमीज तरह। तो हम गए तो उन्होंने कहा, वो आई तो हमसे कह लेंगे बिटिया तुम क्या गाती हो? हमने कहा गीत भजन वगैरह, तो कुछ सुनाओ। तो हमें अच्छी तरह से याद है हमने एक भजन गाया पीलू में, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अच्छा। तो कहने लगी
अरे तुम तो अच्छा खासा गाती हो, क्या सीखना है तुमको मुझसे? मैंने कहा मैं आप ही से सीखूंगी। तो उनका अच्छा बिटिया कल आना। बस वो कल जो था वो हमारे लिए एक माइलस्टोन बना और हम उनसे जुड़ गए। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए। जी आइए देखते हैं उनका क्या कहना। जी जी ज़रूर। मुझे लगता है जो शांति जी की गायकी में जो है वो जो खासियत है वो बेगम अख्तर का स्टाइल वो सब कुछ है, लेकिन जो उनकी खासियत है कि वो उसको उन्होंने समेट के और अपनी एक चीज़ बनाई है। उनके अंदर जो एक क्वालिटी है, मैं उनको अपना गुरु से, अपने गुरु से बढ़कर मैं आपको एक माँ की तरह से, जो उस तरह का जो वो अचार बना के घर भेज देना, अब ये जो रिश्ता है ये सिर्फ माँ के साथ होता है कि मैं कह दूँ मुझे तो नहीं आता आपको बना के भेजना, आपको आम भेजने तो पहले अचार बना के भेजें। मेरे ज़िंदगी में जो कमी थी एक पेरेंट की कमी, वो उन्होंने पूरी की। मैं बहुत छोटा था तो मेरी एक चीज़ बहुत मेरे को याद है, हम लोग तो लखनऊ में गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियों में मैं भी जाता था और बेगम अख्तर तो खैर वहाँ रहती ही थी, मगर मेरी नानी भी लखनऊ में रहती थी, तो हम लोग छुट्टियों में जाते थे। तो मैं अपनी अम्मा के साथ बेगम अख्तर के घर जाता था, अम्मी के यहाँ जाता था। तो अगर वो लोग बात कर रहे हैं या बिज़ी हैं और मैं ज़रा इधर उधर बोर हो रहा हूँ, मैं छोटा था 6-7 8 साल का होऊंगा, तो अम्मी के जो हस्बैंड थे अब्बासी साहब वो मेरे को क्रिकेट बॉलिंग सिखाते थे। वो यूके में पढ़े थे, बैरिस्टर थे और क्रिकेट का उनका बहुत शौक था और उन्होंने सीखी प्रॉब्ली थी वहाँ पे। तो ही यूज़ टू कम आउट एंड ही यूज़ टू टीच मी कि कैसे आप बॉलिंग करो, कैसे फास्ट बॉलिंग करो, कैसे स्पिन बॉलिंग करो, आपके आर्म का एक्शन कैसे। वो मैं इतना छोटा था मगर मेरे को अभी भी वो बड़ा विविडली याद है कि कैसे वहाँ पे वो घर याद है। और सो दैट वॉज अ वेरी नाइस मोमेंट क्योंकि वो इतना बड़ा घर था और कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और उनके साथ बिल्कुल जैसे यू नो नॉर्मल वे में आप बिहेव कर रहे हो और उनके हस्बैंड के आपको बॉलिंग सिखा रहे हैं जैसे और कई किस्म के यू नो कोई भी दादा या नाना या कोई भी आपको ऐसे सिखाए, तो सेम टाइप का फीलिंग थी। तो वो मेरे को बहुत मेरे अभी तक मेरे यू नो चाइल्डहुड मेमोरीज में वो एक ट्रेजर्ड मोमेंट है। जैसा कि इन्होंने बताया कि बचपन में जब घर जाते थे तो बेगम अख्तर के घर भी जाते थे, बड़ा घरोबा था, तो उस वक्त जो था उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कैसा हुआ करता था? हमने तो आप उनको उस्ताद तो क्या अपनी माँ की तरह माना, यानी सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब अपना वक्त, और इस उम्र में लड़कियाँ कहाँ कहाँ घूमने फिरने, ये वो पिक्चर सिनेमा पिकनिक, हम कुछ नहीं, हम बस उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। और मेरा ख्याल है कि किसी भी शागिर्द को जब तक कि वो पूरी शख्सियत में ना चीनी की तरह घुल ना जाए, जब तक उसको कुछ मिलता नहीं है, वो बाहरी रहता है। हाँ। पाकिस्तान हमको 1961 में लेके गई हूँ, 60 में, हाँ, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ। तो कहने लगी बिटिया तुम हमारे साथ चलो, और वहाँ वो लॉरेंस गार्डन में उनका शो था तो गाई, हम भी गाए उनके साथ। उसके बाद हमको शिमला में आना था रेडियो पे, तो हमको लाहौर तक कोई पहुँचा के गया और कहने कि हम तुमको मिलेंगे। वहाँ मिली तो अब वो आ रही हैं वाघा बॉर्डर, वो गाड़ी ट्रेन चलती थी तो वाघा बॉर्डर पे कस्टम जब आया तो उन्होंने कहा, नाम वाम देखा उनका कि आप क्या क्या ले जा रही। अब उस ज़माने में सारी फॉरेन चीज़ें उनको बड़ा शौक था, क्रॉकरी, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, वो सब भरे हुए बैग्स में ले आ रही। तुमका सब ये है, कह लेंगे ये तो आप इतना कुछ तो ले जा नहीं सकते। तो एक ने कहा अच्छा आप एक गज़ल सुना दीजिए और आप सब ले जाओ। तो वो डब्बे में बैठे बैठे उन्होंने गुनगुनाया और सारा सामान मुफ्त में आ गया। ये वाकई में सही है बात है, वाघा में उनको कोई रोक थोड़ ना सकता था। और एक वो वाला वाकया भी है ना, वो जो जब आपको बॉर्डर पे आपका नाम पूछा तो उन्होंने बोला, हाँ, हाँ, हाँ। हम जब शुरू में लेके गई तो पासपोर्ट जो बना वो लखनऊ में बना, लाल रंग का पासपोर्ट, तो उसमें उन्होंने नाम लिखाया शांति हीरानंद अख्तर।
अब जब वो आदमी चेक करने लगा तो वो कभी मुझे देखता है, कभी इसको देखता है, कभी उसको, तो कहने लगी क्या देख रहे हैं आप, ये हमारी बेटी है। तो वो बड़ी हैरानी से देखा अख्तर और शांति हीरानंद। हाँ। कह लेंगे आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल शांति जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज हमारी मेहमान है शांति हीरानंद जी। आपने उनके लिए एक किताब भी तरतीब दी बाकायदा, उसमें आपने बहुत खूबसूरत यादों को समेटा है। जी हाँ। तो कैसे ख्याल आया कि किताब लिखी जाए? देखिए हम जब अपने जिनको मैं सिखाती हूँ क्लास में या किसी दोस्त से या किसी से बात करती थी तो सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता था। तो हमसे किसी ने कहा भाई कुछ लिख डालो, फिर हमने कहा हम लिख तो सकते नहीं, हम बोल सकते हैं। तो फिर हमारी एक स्टूडेंट थी ये नीता जी, इन्होंने कहा आप बोलिए हम रिकॉर्ड करते। तो हम बोलते गए और बेतहाशा बोलते गए कई वाक़े, क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि जो उस्ताद होता है जिससे आपको लगाव हो और जिसको आप सही माने में गुरु समझते हैं, उसकी पूरी शख्सियत आपको समझनी है। देखिए ये किताब मैंने लिखी थी। हाँ। उनके लिए, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माय अम्मी शांति हीरानंद। तो इसी में मैंने एक वाक्या लिखा है, एक तो उनका ये किस्सा लिखा है कि वो हमको कहती थी बौका, मतलब बौके और बेवकूफ। कहती थी। तो एक दफा हम लोग बम्बई से आ रहे थे तो आधी रात में उनको सिगरेट पीती थी, दरकार हुई। हाँ। तो हमसे कहने की डब्बा दरवाजे पे देखो क्या स्टेशन आया। हाँ। अब हमने जो खोला डब्बा तो चार कंपार्टमेंट्स का, चार बर्थ का डब्बा हुआ करता था उस जमाने। तो खोला तो वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा, कोई था ही नहीं स्टेशन। दूर एक गार्ड खड़ा था, उसके हाथ में झंडी थी और लैंटर्न, हरी और लाल लैंटर्न। हमने कहा अम्मी यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिगरेट कहें हटो बौका। और दरवाजे पे खुद खड़ी हो गई और उसकी तरफ इशारा किया। हाँ। वो बेचारा गार्ड जो था वो ये समझा कि शायद कोई मुसीबत है या कोई परेशानी, दौड़ा दौड़ा आया। कहने लगी बेटा हमको सिगरेट चाहिए। कहने लगे वो कोई महाराष्ट्र में यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा अरे मिलेगा, कोशिश करो, मेरे बेटे और मेरे भैये और तुम्हारे बच्चे जीते रहे हैं, सात पुश्तों को उनको दुआएं दे दी तुम्हारे बच्चे जीते रहे हैं, ये हो तुम्हारी तरक्की हो। और वो आदमी हक्का बक्का रह गया, उसकी लैंटर्न पकड़ ली अपने हाथ में, झंडी पकड़ ली और कहा जाओ, और 200 रुपये का नोट दे दिया। वो दौड़ा दौड़ा गया कहीं बाहर स्टेशन पे, अब गाड़ी तो रुकी हुई है, सीटियाँ मार रही है मगर गार्ड साहब गायब है। और वो जब सिगरेट आई तब उन्होंने वो इस तरह की हरकतें बहुत करती थी वो। और कोई वाक्य? और वाक्य मैं आपको उनकी रूह के बारे में बताती हूँ कि अब मुझे अपने गाने में भी ये समझ में आता है कि जब तक असर ना हो, दर्द ना हो, वो दूसरे को सुनने वाले को असर नहीं कर सकता। सावन का महीना था और हमको वो ये ठुमरी सिखा रही थी, अब के सावन घर आजा, बड़ी मशहूर ठुमरी। अच्छा। थोड़ी देर के बाद मैंने इस किताब में जिक्र किया है उसका, रोने लगी। अब जब रोने लगी तो हम बड़े परेशान, हमें बिल्कुल समझ में ना आए अम्मी क्या हुआ, कहीं दर्द है, अब के सावन, अरे तो किसी ने कुछ कहा, क्या हुआ, जवाब ही नहीं मिल रहा, बस आंसू बह रहे, उधर पानी बरस रहा है उधर आंसू बह रहे। अब हमको इस उम्र में जाके और गाते 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 कुछ अपनी भी जिद्दत से, अपनी भी एहसास से ये महसूस हुआ कि जब तक दर्द नहीं होता, दिल में दर्द की शिद्दत नहीं होती, सोज नहीं होता, जब तक आंसू नहीं बहते, जब तक गाने में असर नहीं,
ये वही बात थी। बहुत सही बात। या दर्द ने करवट ली या तुमने इधर देखा, जिगर का मिसरा है। तो ये बात थी। तो अब हमारी समझ में आता है कि गाना बजाना कैसा होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है तो सुनाइए हमारे ऑडियंस के लिए भी। हाँ, किसका ख्याल कौन से मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गई, जमाना अच्छा शेर है। हर अश्क नाज इश्क है, जो चश्मे तर में है, ऐ दिल संभल के बात अभी घर की घर। ये कलाम जिगर का और आवाज़ बेगम अख्तर की, वो ये कहा करती थी कि गज़ल अगर सही तरीके से और सही भाव से गाई जाए तो उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। और ये गलत कहना है कि गज़ल लाइट है। गज़ल जो है वो बिल्कुल ही शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। जिस तरह का उसका मिजाज है उसी तरह की धुन बनना चाहिए उसी राग में, और उसको उसी तरह से अदा करना चाहिए। शांति जी, आपकी शादी भी हुई माशाल्लाह से। शादी कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ हुई? पसंद की शादी रही या अरेंज शादी हुई? जैसे आजकल लड़कियों पर थोप दिया जाता है। उस तरह। अब ये हुआ कि शादी का सवाल हुआ तो मैंने कहा कि मैं तो शादी वादी करूँगी नहीं, क्योंकि अगर शादी की तो अम्मी छूट जाएंगी, गाना छूट जाएगा, न जाने किस तरह का शख्स हो, तो हम तो करेंगे। अब हमारे जो मियाँ थे हस्बैंड, वो 20 साल 25 साल अमेरिका में रहे हुए इंजीनियर थे और बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे वहाँ। उनको बुलाया गया था, यहाँ सरकार ने बुलाया था कि यहाँ आके आप कुछ साइंस का कुछ करिए। उनको शौक़ था गाना सुनने का, और गाते तो नहीं थे मगर सुन। तो उनको ऐसी लड़की की तलाश थी जो गाती हो। क्या बात है। तो सबसे पहले हमसे मिले तो हमसे कहने लगे हमको कुछ सुनाइए। तो हमने फिर एक मुखड़ा चंद्रकांत की ऐसों से लागी प्रीतम्मी की थी, वो गाई। कुछ नहीं बोले और उन्होंने तय कर लिया कि शादी करेंगे। अब अम्मी कहने लगी कि हम देखेंगे तभी शादी होगी। तो उन्होंने बुलाया, दावत की। हमारे माँ बाप ने कहा हमने आप पे छोड़ा, जैसा आप चाहें इस लड़की के साथ करें। उन्होंने हमको बहुत समझाया कि बिटिया शादी करना बहुत ज़रूरी है, इज्जत होती है। नहीं, जब तक के हस्बैंड का ऊपर साया ना हो, औरत की बात नहीं। देखो हमने भी की है, तुम भी करो। जो हमने किया वो तुम करो। उनकी बात तो हम टाल नहीं सकते। तो उन्होंने शादी कराई, अपना जोड़ा पहनवाया, उन्होंने शादी की, रजिस्ट्री में उनका नाम है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उन्हें। शांति जी से जो मेरी पहचान है, उनकी संगीत से पहचान पुरानी है, शख्सियत से पहचान उतनी पुरानी नहीं, वो भी बहुत पुरानी हो गई है। ये बात 1960 की है, जब हम भी क्या 25-26-27 साल के रहे होंगे। तो हम बम्बई गए, हमारे एक मित्र थे, वो एक 78 RPM का रिकॉर्ड लेके आए और बोले इसको सुनिए। हम लोग सब गज़लें सुनते थे, पुराने अच्छे फिल्मी गाने सुनते थे, इस तरह से गाना सुना करते थे। बोले इसको सुनिए, सब सुनेंगे। सुना, अरे वाह, मुग्ध हो गए। एक बार सुना, दो बार सुना, पलट के सुना, तो गाना हमने सब ने, जैसे उस गाने ने हम सबको पकड़ लिया। हम नहीं जानते कौन गा रही है, नाम पढ़े तो नाम पहचानते नहीं। अरे कही कौन है? गाने का तरीका तो बेगम अख्तर का है, आवाज़ थोड़ी थोड़ी फ़र्क में है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क में भी नहीं है। वही अंदाज़, वही 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 जज्बात, वही दिल को छूने वाली बातें, हर चीज़। गुलामियत भी वही, बहुत ही सुंदर। और पिछले कुछ सालों से, 10-15 साल तो हो ही गए हैं,
अब वो हमारे परिवार की तरह हो गई। आज के दिन में अगर कोई गुरु है बेगम की गायकी का, बेगम अख्तर की गायिका का, तो वो सिवाय शांति हिरानंद के कोई नहीं है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, गाती रहें, सिखाती रहें, जैसे उनका नाम है शांति, शांति बनी रहे। और क्या कहूं? तो शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो उन्होंने कभी नहीं रोका उसको गाने के लिए या बजाने के लिए। हमारे ज़माने में लड़कियां कहाँ गाती थी, बाहर तो बिल्कुल नहीं। फिर शांति की जान पहचान अम्मी से हुई, अम्मी बेगम अख्तर। तो मेरे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड, लिबरल, शांति दिन भर उन्हीं के पास रहती थी, अम्मी उनको कहती थी। उनके हस्बैंड थे अब्बासी, लॉयर थे, तो वो उनको पूरा दिन हुआ जाती थी, रहती थी, रात को भी दिन को भी। शांति जब गई थी उनसे पहली बार मिलने, तो उन्होंने कहा बेटे कुछ गाओ, तो इसने एक आध लाइन सुनाई होगी। फिर उस दिन के बाद अम्मी ने इसको बुलाना शुरू किया, अपने साथ सिखाना शुरू किया, और दिन दिन भर हुआ ही रहती थी, मतलब जैसे उनके पास ही रहती थी पूरा दिन। फिल्मों में भी गाया आपने? हाँ, थोड़ा बहुत। कौन कौन सी फिल्में रहीं? सबसे पहले तो हमने कोई 15-16 बरस की उम्र में नौश शेरवाने आदल, हाँ। सौराब मोदी की डायलॉग्स वाली, अच्छा। उसमें गाया, कव्वाली गाई। उसके बाद जो हमने, हमको फिल्म मिली वो सिद्धार्थ, बड़ी मशहूर, रेजर जेज था, रोलिन रुक्स थे उसके अंग्रेजी के डायरेक्टर। सिद्धार्थ में मेरा पोर्शन थोड़ा ही था मगर इम्पोर्टेंट था। मैंने शशि कपूर की माँ बनी थी, अच्छा, एक गरीब ब्राह्मण जो सिर्फ पूजा पाठ में बिलीव करते थे। फिर एक और फिल्म थी डांस ऑफ द विंड, जिसमें कि एक कहानी है एक बच्ची की जो अपनी माँ के उस्ताद को ढूंढ रही है गाने। चलते चलते आपको अपनी पसंद का अगर कोई फिल्मी गीत याद आता हो उस समय तो गा दीजिए। शांति जी, आज आप शख्सियत में आईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हम लोगों के बीच गुजारा। आपका शुक्रिया समीना साहब, आप मुझे इतने लोगों के सामने पेश कर लाई, नहीं तो मुझे कौन जानता। अरे नहीं, ये आपके हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।